वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं व्रत कर अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। हर साल ज्येष्ठ माह के अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस बार ये व्रत 10 जून को किया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन साल का दूसरा ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इसी दिन शनि जयंती भी है। हालांकि भारत की बहुत ही कम जगहों पर आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। यही कारण है कि भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। महिलाएं भी बिना किसी संशय के पूजन कर सकती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि आरंभ 9 जून को दिन बुधवार दोपहर 1:57 पर होगी। वही ज्येष्ठ अमावस्या तिथि समाप्त 10 जून दिन गुरुवार शाम 4:20 पर होगी। वट सावित्री व्रत तिथि 10 जून दिन गुरुवार है। वही वट सावित्री व्रत पारण 11 जून 2021 दिन शुक्रवार है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक है। आपको बता दें कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। 10 जून को दोपहर 2:30 से शाम 3:47 तक राहु काल रहेगा, लिहाजा इस दौरान पूजा करने से बचना चाहिए। वट सावित्री के व्रत का काफी महत्व होता है। ये व्रत करवा चौथ के व्रत के ही समान है, जिसमें पति के लिए पत्नियां निर्जल और भूखी प्यासी रहकर व्रत करती है, 16 श्रृंगार करती हैं और खूब सजती सवरती हैं। इस दिन वट के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। वट सावित्री के व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर ले। इसके बाद व्रत का संकल्प ले। बांस की टोकरी में पूजन का सामान रखें, जैसे लाल धागा, कलश, मिट्टी का दीपक, मौसमी फल, पूजा के लिए लाल कपड़े, सिंदूर, कुमकुम और रोली, चढ़ावे के लिए पकवान, अक्षत और हल्दी। इस बांस की टोकरी में पूजा का सारा सामान लेकर बरगद के पेड़ के पास जाएं। अगर कोरोना काल में आप नहीं जा सकती तो कहीं से वट वृक्ष की टहनी मंगवा ले। एक बर्तन में वट वृक्ष की टहनी को लगा दे। टहनी के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखे। अब मूर्ति और वृक्ष पर जल चढ़ाकर सभी पूजन सामग्री अर्पित करे। अब कच्चे सूत के धागे या लाल कलावा से वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 7 लपेटे। इसके बाद व्रत कथा सुने या पढ़े। शाम को घर पर पूजा करके प्रसाद बांटे। अगले दिन व्रत को तोड़ते हुए शुभ मुहूर्त में पारण करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।